हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इनसाइड होम व्लॉग्स में। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोकर उठी हूँ और अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो यह शाम का ही व्लॉग है। आज मैंने सुबह बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो बस वही मैं उतार रही हूँ बालकनी से, क्योंकि कपड़े सारे सूख गए हैं और आजकल कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी जो होने लगी है तो छाया में भी डाल दो तो कपड़े सूख ही जाते हैं। और आज मेरी दोपहर में थोड़ा सा आँख लग गई थी, यही अभी अतर को सुलाते सुलाते एक आध घंटे के लिए मैं भी सो गई थी। तो अभी यहाँ पे मैंने कपड़े उतारे हैं और इनको फटाफट से मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। एक्चुअली हुआ था, जो कल मैंने ब्लाउज कट किया था उसको मैं सुबह स्टिच करने जब बैठी अपने काम वाम ख़त्म करने के बाद, तो सुई की नोक ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरा मूड भी ख़राब हो गया कि इतना टाइम निकाला मैंने इसके लिए और ये काम हो नहीं पाया। तो अब ये अभी शाम को आए जब तब सुई लेकर आए हैं, तो इसलिए सुबह से फिर कोई होता है ना, कोई काम आप सोचो तो वो नहीं हो पाता है ना, तो फिर मूड ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी ज़्यादा काम वाम नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि ये काम पहले करना है और वो काम हो नहीं पाया, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सुबह का काम वाम ख़त्म करके यहाँ तक वीडियो भी नहीं बनाई। फिर अभी जब मैं उठी तब मैंने कैमरा उठाया, मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा आज कुछ काम हो नहीं पाया और मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। तो अभी यहाँ पे फटाफट से मैं सभी कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे कपड़े तुरंत फ़ोल्ड कर लूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो फिर रखे ही रहेंगे और फिर कल के लिए काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बिस्तर भी सही कर देती हूँ और ये पिलो कवर सारे मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं, तो कल उनको भी धुलना है। और यहाँ पे अब लगा देते हैं झाड़ू। वैसे तो ये घर आपको साफ दिख रहा होगा, पर यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे करके ना थोड़ा थोड़ा सा गंदगी हो चुकी है, तो शाम को भी झाड़ू लगा दो ना, तो पैर में कुछ चिपकता नहीं है तो अच्छा लगता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने पूरे घर में एक राउंड पूरा झाड़ू लगा दिया है। और अभी बारी आती है किचन की, और शाम को मैं जो लंच वगैरह के बर्तन होते हैं उनको धुल लेती हूँ। और आजकल सुबह मतलब लंच में भी खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत अपने लिए, जैसे रोटी वगैरह है तो थोड़ा बहुत बर्तन हो ही जाते हैं। और गर्मियाँ आ गई हैं तो छाछ पीने का मौसम चल गया है, और ठंडी ठंडी छाछ बहुत अच्छी लगती है, तो सुबह हम लोग चाय ना लेकर साथ में पीते हैं छाछ। तो बस वही सारे बर्तन यहाँ पे पड़े हुए थे, तो फटाफट से मैं इनको भी धुल के स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि अब करनी है खाना बनाने की तैयारी। तो इसी तरह से शाम को मैं थोड़ा सा जल्दी से खाने की तैयारी करने लगती हूँ, और 7 बजे तक इनके आने तक मैं सारा काम कर चुकी होती हूँ, सिर्फ आटा लगा के रख देती हूँ, रोटियाँ बनानी रह जाती हैं। तो इस तरह से शाम को मैनेज कर लेती हूँ। फिर ये आ जाते हैं तो अधर को थोड़ा बहुत इधर उधर रख लेते हैं, तो मैं थोड़े बहुत और काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से आजकल थोड़ा सा टाइम मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो अभी देखिए, अभी काफ़ी उजाला है ना, खिड़की से दिख रहा है, लेकिन मैं अभी से सब्जी वगैरह काटने की सारी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और बैंगन। ये काफ़ी टाइम से बोल रहे थे आलू बैंगन की सब्ज़ी खानी है, तो इनका मन था और कल बाज़ार से बैंगन आ भी गए, तो मैं चलो यही बना देते हैं। और रसेदार आलू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं किसी को पसंद नहीं आते हैं, पर हम लोगों को पसंद आते हैं। मैं बिल्कुल अलग तरह से सिंपल मसालों के साथ में बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर ज़्यादा मसाले डाल दो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो बहुत कम मसालों के साथ बनाओ तो बैंगन का जो अपना ही एक स्वाद होता है, जो ग्रेवी में थिकनेस लाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन भी निकाल लिया है, क्योंकि इसमें लहसुन बहुत अच्छा जाता है, और लहसुन मेरे पास है नहीं ज़्यादा, ख़त्म हो चुका है। ख़त्म ऐसे हुआ कि लहसुन बहुत ज़्यादा सूख चुका है, तो इस वजह से लहसुन भी मंगाना है और मैं भूल जाती हूँ, तो अभी काम चल रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैंने सब्जी को धुल लिया है, तो बैंगन को कभी भी ऐसे काटने से मतलब पानी में ही काटना चाहिए, अगर ऐसे काट दो ना तो वो काले पड़ जाते हैं, तो ऐसे नहीं काटना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले वॉश कर लिया है और अब इनको मैंने एक कटोरे में अलग पानी में काट लिया है, तो इस तरह से ये व्हाइट ही रहते हैं, और काले हो जाते तो देखने में ही नहीं अच्छे लगते, फिर सब्ज़ी भी हमारी ख़राब हो जाती है, और बाकी स्वाद में कोई चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे जो बर्तन मैंने धुल के रखे इनको भी फटाफट से लगा देती हूँ स्टैंड में।
और अब बनाते हैं सब्जी। और लेकिन मुझे याद आया कि सब्जी बनाने से पहले मुझे एक और काम करना है, तो यहाँ पे धनिया, पिसी हुई धनिया जो होती है ना, वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो ये घर से आई हुई थी, मम्मी ने इतनी सारी धनिया दी थी, तो ये पीसनी है। तो जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उतनी पीस लेती हूँ, बाकी की ऐसे रखी हुई है इस डिब्बे में। तो यहाँ पे अभी पिसी हुई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो मैं फिर से पीस के रख लूँगी। तो करीब मेरी 1-2 महीने चल जाएगी, फिर उसके बाद पीस लेंगे, तो इस तरह से अच्छा रहता है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, जो हम बाहर से पिसी हुई पैकेट वाली लेते हैं धनिया, उसकी जो खुशबू है ना, वो इतनी अच्छी नहीं आती। और ये वाली जो घर की है ना, अपने खुद के खेतों की है, तो आपने मेरा ब्लॉग तो देखा ही था मेरे खेतों का, तो बस ये वहीं की धनिया है। तो सोचिए कितनी अच्छी है, मतलब अपने खुद के खेतों की उगाई हुई। तो यहाँ पे देखिए, एक स्लॉट मैंने पीस लिया है, अभी एक बार और पीसूंगी, उसके बाद जो मेरा डिब्बा है वो भर जाएगा, और इसके बाद सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे काम होते हैं एक्स्ट्रा, जो कि बीच बीच में कर लो तो ख़त्म होते जाते हैं। अब इनके लिए मैं एक अलग से टाइम नहीं निकालती कि धनिया पीसने के लिए अलग से टाइम, जब ज़रूरत होती है उसी समय फटाफट से मैं कर लेती हूँ। तो सुबह जब मैंने सब्ज़ी बनाई तो ये ख़त्म हो चुकी थी, तो अभी जस्ट याद आया तो मैंने ये भी काम कर लिया है। और अब इसी जार में मैं पीस लूँगी मसाला। वैसे तो मैं इसके लिए मसाला अलग से पीसती नहीं हूँ, पर हरी मिर्च और लहसुन यहाँ पे मैं जार में ही पीस लूँगी, जिससे कि अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। और लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं करूँगी, आजकल मैं थोड़ा सा लाल मिर्च अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत कम सब्जियों में मैं लाल मिर्च यूज कर रही हूँ, तो बहुत पहले ना मेरे घर पे लाल मिर्च मैं रखती ही नहीं थी, क्योंकि जब लाल मिर्च होती थी तो यूज हो ही जाती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है लाल मिर्च, तो इसलिए हम लोग नहीं खाते थे। और आजकल फिर से मैंने हरी मिर्च डालना स्टार्ट कर दिया है, जब नहीं होती है मिर्च हमारे पास हरी, तब मैं लाल मिर्च का यूज कर लेती हूँ। तो इस तरह से अभी यहाँ पे मैंने इंडक्शन को ऑन कर लिया है, और अब बनाना स्टार्ट करते हैं सब्जी। तो एक छोटा सा प्याज मैंने लिया है, उसको मैंने काट लिया है, और यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा सरसों तेल। तो बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से सब्जी। और अतर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो अपना खेलने में लगे हैं, तब तक मेरे काम हो जाएंगे। और यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब बस इसमें कुछ नहीं करना, सीधा मसाला जाएगा। और बहुत हल्के फुल्के मसालों के साथ ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने मसाला पीसा था, वही सेम मसाला मैंने यहाँ पे डाल लिया है, और मसाले में मैंने पिसी हुई वही धनिया जो पीसा था वो, और बाकी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला थोड़ा सा, और नमक स्वाद के अनुसार, और बस यही सारी चीज़ें लेकर मैंने पीस दी थी लहसुन और मिर्च के साथ में। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, मैंने आलू और बैंगन को डाल दिया है। अब इसमें जाएगा एक टमाटर, तो टमाटर कोई कोई बैंगन में नहीं भी यूज करता है, पर अभी मैंने डाल दिया है, कभी कभार मैं भी स्किप करती हूँ। दोनों से ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, अगर टमाटर डाल दो तो ग्रेवी थोड़ा सा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे से मिस हो गई, अगर इसमें हल्की सी हींग डाल दो छौंकने के समय, जब हम प्याज फ्राई करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, ये बादी नहीं करता है, नहीं तो बैंगन जो होते हैं ना वो बादी होते हैं। तो वो चीज़ मुझे याद नहीं रही और मैंने डाला नहीं, नहीं तो मैं हींग ज़रूर डाल देती हूँ हल्का सा, ताकि पेट वगैरह सही रहे, ऐसे कुछ दिक्कत ना हो बैंगन खाने से। तो यहाँ पे अब मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये घर के चावल है ना, तो इनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। बाहर के भी चावल में कभी कभार कंकड़ निकल आता है, तो एक बार अच्छे से क्लीन कर लो तो सही रहता है, डाउट क्लियर हो जाता है कि चावल अच्छे से साफ़ हैं। और यहाँ पे मैंने धुल लिए हैं, और अब इनको मैं कुकर में डालूँगी। और जब तक मैं ये सब कर रही थी, उधर मेरी सब्ज़ी भी पकने पर है, तो जैसे ही सब्ज़ी पक जाएगी मैं चावल रख दूँगी। तो अभी देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी लगभग हमारी पूरी तरह से पक चुकी है, अब इसमें जाएगा हरा धनिया, और ग्रेवी मैंने अभी इतना छोड़ी हुई है, इसमें पतली पतली दिख रही है, पर अभी थोड़ी देर में ये बिल्कुल थिक हो जाएगी, तब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। तो अब बस मैं आटा लगा के रख देती हूँ, तो आज का हमारा डिनर यही होगा। तो चलिए, इस व्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।